लॉकडाउन के दौरान कोतवाली क्षेत्र के कंटेनमेंट एरिया के तलाई मार्ग से जन्नी एक्सप्रेस को पुलिस ने जब्त किया है, जिसमें से एक बोरा सुपारी मिली है, जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है। अवैध तरीके से सरकारी जननी एक्सप्रेस में लोडिंग कर सामग्री लाने और कंटेनमेंट एरिया में घुसने पर धारा 188 में केस दर्ज किया है। फिलहाल ड्राइवर फरार है। इस मामले में कोतवाली टीआई ललित डांगुर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर खरगोन के तलाई मार्ग से एक बोरा सुपारी सहित सेगावा इलाके में अटैच किया हुआ जननी वाहन जब्त किया गया। ड्राइवर फरार है, जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। जांच के बाद खुलासा होगा और यह सुपारी किसकी है, कहां से लाया है और कहां सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल कंटेनमेंट एरिया में इस तरह अवैध गतिविधियों के चलते धारा 188 में केस दर्ज कर लिया गया। खरगोन संजय तिवारी की रिपोर्ट। सर, एक गाड़ी बोल रही है सरकारी, ये जननी सुरक्षा में लगी हुई है और किसी कारण से इसका चालक, जो हमारा प्रतिबंधित क्षेत्र है खरगोन, अभी ऑरेंज जोन में है, उसमें सूचना मिली कि एक सुपारी का बोरा भर के ये लाया था। ये अभी इन्वेस्टिगेशन में है, वो उतर के भाग भी गया वहां से और पता लगा कि ये कैली जो सेगांव क्षेत्र है वहां जननी एक्सप्रेस में ये वाहन लगा हुआ है एम्बुलेंस के तौर पर। इसकी जांच की जा रही है, आपत्तिजनक होने से 188 कार्रवाई की गई है। बाकी चीजें और जांच में आएंगी तो स्पष्ट हो पाएगा कि किसको देने आ रहा था और क्यों उसने ऐसा किया। सर, शासकीय वाहन के अंदर इस तरह का सामान, ये एक्चुअली अटैच वाहन है जो हॉस्पिटल में अटैच की जाती है, तो इनके प्राइवेट चालक रहते हैं, तो उस पर पता करें कि ऐसा क्यों किया उसने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।